खबर दिनभर में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। वाराणसी कोर्ट ने फैसला दिया है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला दिया है कि ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हिंदू पक्षकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में, ज्ञानवापी मंदिर मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, साइंटिफिक डेटिंग की मांग की थी, माफ कीजिएगा, और साइंटिफिक डेटिंग की एक हिस्सा है कार्बन डेटिंग भी होता है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने कहा है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। हमारे सहयोगी अजय दुबे कोर्ट रूम के भीतर से सीधे जुड़ गए हैं। अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, कोर्ट ने क्या कहा अपने फैसले में? विकास, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो कोर्ट रूम में जी पहुंचे, और जल्द पहुंचते ही 5-7 मिनट में अपना जो ऑर्डर है वो पढ़ दिया। और इस पूरे मामले में कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक जांच की जो बार बार हिंदू पक्ष मांग कर रहा था, हिंदू पक्ष में भी तोड़फोड़ थी, जो बिशन गुप्ता इसे मना कर रहा था, तो कोर्ट ने किसी भी तरह की जो कार्बन डेटिंग की बात है उसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे कैंसिल कर दिया है, और अब इसी मामले का जो ऑर्डर का दूसरा हिस्सा है जब अभी कोर्ट रूम के अंदर पढ़ रहे हैं, तमाम जो वकील हैं अभी भी अंदर मौजूद हैं। बिशन ग्रुप के जो एक वकील हैं अब वो बाहर आए, उन्होंने ये जानकारी दी। तो अभी मशहूर खबर ये है कि जो कार्बन डेटिंग की मांग है उसे जज ने खारिज कर दिया, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो अभी कोर्ट रूम के भीतर क्या चल रहा है? अगर कोर्ट ने कार्बन डेटिंग को खारिज किया है तो किसी और साइंटिफिक स्टडी के जरिए इस इलाके की, उस शिवलिंग की या उस पूरे इलाके की आयु असर्टन करने के लिए कुछ फैसला सुना है? नहीं विकास, एक और इस मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कई सारे मामले, ज्ञानवापी मामले में एक दर्जन से ज्यादा मामले कोर्ट में चल रहे हैं, और हर दिन कोई एक नया पक्षकार जो इस मामले में पक्षकार बनना चाहता है इस बात को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर देता है। तो इस बात को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा जो पहले से ही वकीलों ने कोर्ट में दायर की हुई थी उसको लेकर अभी इसमें अंदर चर्चा हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण सूचना जो बाहर वकील निकले थे उन्होंने दी है, अंदर सुनवाई उस मामले पे हो रही है। लेकिन एक लाइन में जो सूचना है वो ये है कि कार्बन डेटिंग को लेकर, किसी भी तरह की वैज्ञानिक जांच को लेकर, जज ने जो मामला है उसे कैंसिल कर दिया, जज ने उसे उनकी मांग को निरस्त कर दिया है। जी अजय दुबे जानकारी दे रहे हैं कि वाराणसी जिला न्यायालय ने साफ कर दिया है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अजय दुबे हमारे सहयोगी कोर्ट रूम से सीधे जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, एक एक शब्द साहब बताइए, किस तरह से जज ने कोर्ट रूम में बैठने के बाद इस याचिका को खारिज किया, इस मांग को खारिज किया, और क्या कहा? देखिए मैं आपको बताऊं, जो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष के वकील थे, सबसे पहले हिंदू पक्ष कोर्ट रूम में पहुंचता है, ठीक उनके पीछे मुस्लिम पक्ष पहुंचते हैं, और 10 से 15 मिनट की देरी में जज साहब खुद आकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। चेयर पर बैठते ही वो ऑर्डर जो है उसे पढ़ना शुरू करते हैं, और बमुश्किल 5 मिनट के बाद कुछ वकील बाहर आते हैं। और अभी जो शुरुआती जानकारी है वो ये है कि कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक जांच की बात जो की गई थी, जो मांग की गई थी, ऑर्डर कोर्ट ने जो दिया है उसने उसे खारिज कर दिया है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कुछ और भी वकील हैं जो बाहर आए, तो अभी इस मामले में और आगे क्या हो रहा है कोर्ट रूम के अंदर उस बारे में जानकारी हमें मिल रही है। जी तो हमारे सहयोगी अजय दुबे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, वाराणसी कोर्ट रूम से सीधी जानकारी दे रहे हैं। जज बैठे, बैठने के साथ ही उन्होंने साफ कह दिया कि इस मामले में कार्बन डेटिंग की जरूरत नहीं है, कार्बन डेटिंग नहीं होगी। कोर्ट रूम में जब तमाम जो पक्षकार थे वो मौजूद थे, उसी वक्त जज बैठे, और सबसे पहले इस खबर को हमारे दर्शकों के सामने एबीपी न्यूज ने रखा हमारे सहयोगी अजय दुबे के जरिए। अजय दुबे जो कि कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उन्होंने साफ साफ बताया कि जज बैठे और एक लाइन में उन्होंने इस याचिका में जो मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। ये खबर सबसे पहले कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, इस बात की जानकारी एबीपी न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों के सामने साझा की है। और हमारे सहयोगी देखिए अजय दुबे इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कोर्ट ने इस बारे में कोई साफ किया, कोई फैसला सुनाया, या आगे भविष्य में कोई तारीख मुकर्रर की कि अगर कार्बन डेटिंग नहीं होगी, क्योंकि शिला की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, तो फिर क्या किसी और तरीके से उस परिसर की, उस जगह की उम्र या आयु पता करने के लिए कोई और साइंटिफिक स्टडी कराई जाएगी? देखिए वकील शिवम गौड़ वापस आ रहे हैं। विकास मैं आपको एक मिनट के बाद और नई जानकारियां दे सकूंगा, लेकिन अभी कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हुआ, वकील सारे अंदर ही मौजूद हैं, तो आगे इस बारे में सूचना देना अभी संभव नहीं होगा। जरा बाहर आए, सूचनाएं और निकल कर बाहर आए तो इस बारे में और बात कर सकेंगे। कोर्ट रूम में जज के सामने सारे वकील
शिवम गौर, सुधीर त्रिपाठी, विष्णु जैन और मुस्लिम पक्ष से रईस तमाम लोग कोर्टरूम में इस समय जज के सामने ही खड़े हैं। कुछ चर्चा अभी भी कोर्टरूम के अंदर हो रही है और हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बाहर आए तो निकल कर आए कि आगे इस मामले में क्या क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।